हेलो फ्रेंड, अलका लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक मैं बताई थी आपको कटिंग कैसे किया जाता है पेटीकोट का। मैं आज बता रही हूँ पेटीकोट स्टिचिंग करके कैसे होता है, और 6 कली का वो पेटीकोट है। तो देखिए फ्रेंड, मैं पेटीकोट का कटिंग कर चुकी हूँ, जो अगले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। आज मैं स्टिचिंग करने के लिए जा रही हूँ। देखिए, ये मेरा 6 कली का पेटीकोट है, स्टैंडर्ड साइज़ का है, जो कि ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, स्टैंडर्ड साइज़ का है। ये 1 कली हुआ, ये 2 कली हुआ, फिर ये तीसरा कली हुआ, ये चौथा कली हुआ, ये पाँचवा कली हुआ, ये छठा कली हुआ, उसके बाद ये नाड़ा है, उसके बाद ये कमर की पट्टी बंधने के लिए है। तो चलिए, मैं आपको अब स्टिचिंग करने के लिए बता रही हूँ कैसे पेटीकोट स्टिचिंग होती है। इसके पहले मेरा छोटा वीडियो जाता था, तो मैं स्टिचिंग करके आपको नहीं बता पाई थी। अब मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाने का, अपना वीडियो धीरे धीरे बड़ा बनाऊंगी, और बड़ा बना के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पेटीकोट की सिलाई होती है। गुड मॉर्निंग, मैं अभी स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ और 2 कली को जोड़ रही हूँ। देखिए कैसे मेरा 2 कली का सिलाई हो जाता है। तब मैं तीसरे कली को जोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड, मेरा 2 कली जुड़ चुका है। देखिए, ये बड़ी कली में एक छोटी कली लगेगी, ये बड़ी कली के साथ एक छोटी कली जुट गई है। अब ये छोटी कली फिर एक बगल तरफ से जुटेगी, जुड़ चुकी है, मैं जोड़ चुकी हूँ। देखिए, अब फिर इधर साइड से मैं एक छोटी कली लूँगी। ये ध्यान देना पड़ता है कि उल्टा या सीधा नहीं हो, उल्टा हो जाने के बाद परेशानी बढ़ जाती है, उसको फिर से सिलाई तोड़ के खोल के फिर से सिलाई करनी पड़ती है। सीधा पकड़िए स्ट्रिप लाइन से और सिलाई को शुरू कीजिए। देखिए फ्रेंड, मेरा 3 कली जुड़ चुका है। इसी तरीका से मैं फिर से बड़ी कली में दोनों बगल से छोटी कली जोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से एक बड़ी कली, 2 छोटी कली दोनों बगल से मैं जोड़ ली। अब मैं ये कली को फिर से इसमें जोड़ देंगी, पहले जो मैं बनाई हूँ उसमें से जोड़ रही हूँ। देखिए,
मैं इसको किनारा मोड़ चुकी हूँ, जो कि किनारा फटे नहीं। अब इस तरफ की किनारा मैं मोड़ रही हूँ। मुड़ गया है, दोनों किनारा मुड़ रही हूँ। अब मैं इसमें पट्टी लगाऊँ, कमर पट्टी अब मैं लगा रही हूँ, काट रही हूँ। कभी कभी फ्रेंड मैं कमर की पट्टी के लिए साइड से भी निकाल लेती हूँ, इधर साइड से निकाल लेती हूँ, जो लंबाई से निकल जाता है, जिधर से नाड़ा निकालती हूँ, जिसमें क्या कम कमर रहता है वो मैं कर निकाल लेती हूँ। लेकिन जिसका कमर ज़्यादा रहता है उसमें से नीचे से निकालती हूँ। ये नीचे से निकाली हूँ मैं कमर पट्टी, कारण कमर उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड साइज था, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए फ्रेंड, मैं इसका पट्टी तैयार कर रही हूँ। मुँह पे आगे में थोड़ा सा मजबूती से ले रही हूँ ताकि सिलाई नहीं खुले। देखिए फ्रेंड, ये मेरा पट्टी बन चुका है। इधर से लगा के जोड़ के फिर इधर उल्टा के सिलाई कर दी। कमर पर का डबल सिलाई भी मैं कर दी, जो मजबूती से होती है, स्टिच कर दी। अब मैं इसे दोनों तरफ से जोड़ रही हूँ। अब मैं इस तरह से इसको जोड़ रही हूँ। देखिए पेटीकोट मेरा बन चुका है, तैयार हो गया है। अब यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरा पेटीकोट तैयार हो गया। देखिए ये नीचे की भी पट्टी मोड़ दी मैं, नीचे को मोड़ के सिलाई कर दी हूँ। उसके बाद ये बीच में सिलाई कर दी, यहाँ पे मजबूती से 3-4 बार सिलाई कर दी, जो क्या ये सिलाई जल्दी फट जाता है, मजबूत रहने पर नहीं फटता है। तो पेटीकोट मेरा तैयार हो गया, अब रेडी हो गया। और ये स्टैंडर्ड साइज की पेटीकोट हो गई है, लंबाई भी ठीक है और कमर भी ठीक है, स्टैंडर्ड साइज की मैं बनाई हूँ। ये नाड़ा है, जैसे पहले बनाई थी, बहुत बार मैं नाड़ा बना के दिखाई हूँ, वैसे ही नाड़ा बनी हुई है। तो स्टैंडर्ड साइज में हमें बहुत आदमी ये भी क्वेश्चन करता है, कमेंट करता है, क्या स्टैंडर्ड साइज क्या हुआ पेटीकोट का, मैं देख बता रही हूँ। देखिए इसका कमर फ्री बनाई हूँ, कर बेटी कमर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये 21 इंच है, तो 21 × 42 इंच लंबे इसका कमर है। उसके बाद इसका लंबाई है 42 है कमर। उसके बाद
ये 36 है लंबाई इसकी, ये स्टैंडर्ड साइज की है। जनरल आदमी को इतना हो जाता है, जो इससे ज़्यादा लंबी या इससे ज़्यादा चौड़ी होती है जिसकी कमर, वो अलग तरीका से बनता है। तो आज का चैनल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हम कल कहने के लिए भूल गए थे, अब थोड़ा परेशानी था तो नहीं कह पाई थी आप लोग को, इसलिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद, बाय। अब अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक आज इतना ही।